टिकट कौन सी क्लास का लूँ यार, सेकंड क्लास का तो किराया भी ज़्यादा है और दूर भी नहीं जाना है। अगर सेकंड क्लास की टिकट ली तो भीड़ से भी बचूँगा, एकांत भी मिलेगा और तो और एक नई कहानी भी सोच लूँगा और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने का भी मौका मिलेगा। अरे यार, यहाँ तो नवाब जी पहले ही पलौथी मार कर बैठे हुए हैं। सर पर टोपी, अच्छा जी, दो ताजे खीरे, वाह, ये तो बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं लग रहे। कोई ना, अकेले यात्रा करने के लिए ही नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। पर अब जनाब हम भी आ गए हैं, अब इन्हें कहाँ गवारा कोई मंझले दर्जे का लोग इन्हें देखे। अकेले सफ़र में वक्त काटने के लिए ही ये दो खीरे खरीदे होंगे इन्होंने, पर अब हमारे सामने ये खीरे कैसे खाए जनाब। नमक मिर्च मसाले की वजह से ग्राहक खीरे को आसानी से खरीद लेते हैं, पर मियाँ जी रईस बनते हैं बहुत ज़्यादा, मगर खाते तो ये आम खीरा ही है। लेकिन लोगों की नज़रों से कैसे बच सकते हैं, उतर गए ना ये अपनी असलियत पर। आधा भर जनाब खीरा सौंप फरमाइए। जी नहीं, शुक्रिया। पानी तो मेरे मुंह में भी आ रहा है, पर क्या करूं यार, आत्म सम्मान की बात है, एक बार मना कर चुका हूं तो कितनी बार भी पूछे ना ही करूंगा। ओला सोक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। अरे नहीं नहीं जी, शुक्रिया, मेरा पेट थोड़ा खराब है, किबला शोक फरमाइए। नवाब जी आत्म सम्मान भरी गुलाबी आंखों से मेरी तरफ देख रहे हैं, ये लगता है मुझे ये कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। अच्छा, इसका मतलब खीरे की सुगंध और स्वाद मात्र की कल्पना से हम संतुष्ट हो सकते हैं, मतलब हमारी भूख शांत हो सकती है। वाह जनाब। खीरा खाने में तो स्वादिष्ट लगता है, परंतु अपच होने के कारण मेदे पर भारी करता है। मेरे तो चक्षु खुल गए हैं, ये है हमारी नई कहानी के लेखक। अगर खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार घटना पात्रों के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती।